जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए, पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव ससंग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी 400 ग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, चार महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से एक माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। भक्त्या जलेर्जुन प्रतिम बहुधा विषिंचे ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मम हं सं तं पं मम हमं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्त्या जलाटितटेषु निवेशितो चेन् हस्ते श्रुता सर्वरा सुरमर्त्यनाथै तत्काले पेलित महेश्वरश्च धारा तस्य पुनातु जन्मिं भगते वयुष्मान् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मम हं सं तं पं मम हं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल चंदेरि वात्मीय स्वामी सुप्रभाहै संस्नापित दुग्ध दधिक्षु वाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं पूर्ण सुगंध सरोषदभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषतोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। त्रिविशव शांति पार्श्ववीरनाथाय सर्वाकृष्टकराय रोपाप विघ्न रोगो सर्वविनाशनाय सर्पर्कषद्रो सर्वं विनाशनाय सर्वक्षाम विनाशनाय ओम भ्राम ह्रीं भूम भ्रम भ्रा अस्य नमः। चतुर पार्श्वनाथ जी दय सर्व शांति तुष्टि स्वाहा। ओम रेम श्रीम क्लीम परम सरसनादिताय नमो अरियंतरम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि जय करो सरसा। ओम रे चिंतन पासना दिन दान मस चिंतन पासना दिन दान मस चिंतन पासना दिन दान मस संपूज गानम रे दिवाल कानम यतिन सामंत बोधनानम दिष्ट त्रासि प्रेषराज्ञ करो ति शांति भगवान जिनेंद्र करो ति शांति भगवान जिनेंद्र करो ति शांति भगवान जिनेंद्र पारस भावा की।
पारस बाबा के दर्शन को कुछ निर्ग्राम में आता हूँ, अष्टम सुधा का राज मिले आठों द्रव्यों को लाता हूँ। मणि पारस बाबा के चरणों में जी चुकाता हूँ, चिंताएं तिससे दूर करो चिंताएं तजने आता हूँ। चिंता मणि पारस ना चिंता दूर करे मन चित्त होती का जो भूषण चुरे तू क्यों नमः जीव नाती है राय अर्चना बल बाद चढ़े। ओम रे श्री अतिशयकारी चिंता निपासना दिनिंदाया अभिषेक निमित्त जल बला जलाभिषेक जीराभिषेक शांति राघव जल बला जरगन पामती स्वाहा शांति शांति धारा पुष्पांजलि शिवे अर्चना फल चढ़ा दो। अर्चना फल तुभ्यम नमः शिव नाथे राय नाथ तुभ्यम नमः पीतराम भूषणाय भूषणाय तुभ्यम नमः जगत परमेश्वराय तुभ्यम नमो दिनवो दशोषणाय। ओम ज्येष्ठातोत्रिता पंचमा कल्याण संता सर्व कार्य सिद्धि करण समर्थाय देवादिवसी चिंतावणी अतिशयकारी चिंता निपासना दिनिंदाय सर्व विघ्न संकट पद निवारणार्थम सर्व दुर्भिक्ष निवारणार्थम सर्व कार्य सिद्धि निमित्ते अर्चना फलम निर्पामती स्वाहा अर्चना फल निर्पामती स्वाहा। जय हो चिंतामणि काशनाथ भगवान की जय। देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्ति सुगंध गुणानुमेया सर्वे संस्थापनोपयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तं पं मम मम सम सम झं झं क्षीं क्षीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कथाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जो भी सुब्रह की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, अवधूत की धारा करके मैं दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जुमंत्रे दुग्धाभिषेक जल बला दीर्घन पम ते स्वाहा शांति शांति धारा दि पुष्पांजलि क्षिपेत भगवते श्रीमते दद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जो भी सुप्र की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, अब देखी धारा करके मैं दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जुमंत्रे दधि अभिषेक जल बलादिर्घन पं ते स्वाहा। समय शिखर की टोक पर समय शिखर जी का विगम दर्शन हो रहा है, बोले समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। ओम ऋषि नंदन परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ऋषिमन सिंह श्री चित्राय नमो नमः। ये अष्ट द्रव्य थाल विधि वस सजा लिया, जिन अर्चना क्रिया की ही तुम लगा लिया। हर टोक पे शुभ भाव से मैं अर्घ चढ़ा कर पंजाओं में भी सिद्ध कर सलम कपा कर जय 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 सब सिद्ध की जय हो जय सब। ओम ह्रीं समेश्वर से चित्राय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व तीर्थंकर चरणेभ्यो समेश्वर से चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ निर्पामति स्वाहा। बोल महावीर भगवान की जय। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय जय जय। पितर सख दुग्ध दीक्षु वाहय श्रीमते सर्वौषधि विषयकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावय त्रिवनिकपतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं ब्रह्म मम हंसं तं पं मम मम हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम प्रेम प्रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। विशुद्ध्या कर्पूरसम्मिश्य चन्दनेन दिनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं मम हं सं सं जं जं क्षीं क्षीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सफेद चन्दनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। काया सुगंधि तस्य प्रकृष्टे प्रथमोपरि रक्तगंध
धैन धाराम सुहेम कलशे कुर्ते ही भव्य संसार चक्रम पहाय भवेश सिद्ध ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं रम वम हम सम तम तम हम हम सम सम तम तम बम बम जम जम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा नागेन्द्र सुरा सुरेन्द्र ही कल्याण पंच सहितो जिन भास्करो यह तस्याभिषेकम अम्लेन सुकुमकुमेन कृत्वा सुभव्य रचिरं लभते सुमोक्षम ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां रीं रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते कुमकोभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा दिव्यतश जिनेश्वरस्य धारं करोति मुनिजस्तु हरिद्रायाहं ऐश्वर्यकान्तिं लभते सुशीघ्रं निर्वाणसौख्यमं लभते क्रमेण ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं ओम नमो रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा सुदृश्य शिष्टान कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रं कुर्वेषु भक्ति सहितं स्नप्न सुगंधैन हे अष्टकर्म विजयंजन राजसूर्य ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा देवधूपवृन्दैरपि चम्पकाद्ये पुष्पैरनेके श्रीमद्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेऽहं श्रीमद्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेऽहं ॐ ह्रीं सुम्नः सुकृदाय प्रतिष्ठिं करोमीति स्वाहा जय हो जय हो जय हो शान्तिनाथ आरती उतारो रे शान्तिनाथ स्वामी की मितो आरती उतारो रे शांतिनाथ स्वामी की जय जय चौबीसुनाथ जय जय हो जय जय परमिष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो दद्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेणं त्रैलोक्यमङ्गलसुखालये कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारया मे रामतारया मे भक्ति करो गावाज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गावाज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे चौबीसो दिन भर के जय जय चौबीसनाथ जय जय हो जय जय शिवासुपुज जय 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 शिव सिद्ध प्रभु जय जय पावन महापनम करो मे ओम रीम श्रीं क्लीं पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा मत्ते अतिशयकारी इच्छा प्रक्षि आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास पूज्य प्रसोदे पुष्पदंत मुनिसुतिनि पार्श्वशतंकर जिनेन्द्राय रत्नत्रयनिकृताय पतन प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुण्याय धर्म चक्राधीश्वराय शंकराय गुरु धनेन्द्र मंडल त्रिलोक शंकराय त्रिलोक में व्याप्ताय दिव्यतम त्रिलोकताय सर्वज्ञाय सिंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुकुरुष सत्य मुनि आरिका शावक शाविका प्रोच विनाशनाय अजराय अमराय अभवाय समस्त विषयकृत परसजी मात्र चतुर्संगस्य अद्य शांति मंत्र करता पटनी से शांति मंत्र करता वार्षिक शांति मंत्र से सर्व शांति मंत्र करता परिवार
धनुती छत्र परिवार से श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी आनंद परिवार श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीति स्मृति शिखा निकुस परिवार के दूसरे परिवार से महावीर कुसुमता महेंद्र डॉक्टर प्रोग्राम श्री नितिन वैश्वरी आनंद सुधर नागपुर श्रीमती ललिता राज रविंद्र सुनील पंकज राजन प्रमोद जी विनय पूजा सागर नम्रता पायराम शांति लखनपुरा संजीव साहब प्राचुस्ती अवनी नीलेश दीपाजी दस दर्वश नव राहुल रोहित मंत्रकुल शांति कल आपने सुना था कि उज्जैन में उपसर्ग आया, उज्जैन में सागर विराज पर उपसर्ग आया। मंत्री 700 मुनियों की हत्या करने निकले थे, लेकिन सुसागर श्री महावीर विराज मिल गए। इन पर तलवारों ने तान दी, लेकिन जिसे तलवारों को ताना कि तानते ही वहां तुरंत किरित हो गए। किसने किरित किया? किसी राजा ने, मंत्री ने, श्रावक ने, क्षेत्रपाल। जहां का राजा देव साथ गुरु का भक्त होता है, वहां की प्रजा भी देव साथ गुरु की भक्त होती है। और जहां देव साथ गुरु की भक्ति होती है, शासन देवताओं का सम्मान होता है, बहुमान होता है, आदर होता है, वहां की देवता जागृत होती है। ये रक्षा मंत्री घटना आपको बता रही है कि पूरे देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी प्रांत में आप चले जाइए तो हर एक प्राचीन मंदिर में जो मंदिर 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, हर एक मंदिर में शासन देवताओं की स्थापना आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक भी ऐसा मंदिर जो 500 वर्ष पुराना हो और वहां ना निकले। यहाँ तक कि जितनी खुदाई होती है, खनन होता है, उस खनन में जब भी से प्रतिमाएं निकलती हैं, उन प्रतिमाओं में फिरकर जहां भी होता है शासन देवता हमेशा उसके अंदर होते ही। अभी जहाजपुर में भगवान विष्णु निकले तो वहां पर उनकी अश्विनी माता भी निकली और देवता वहां पर निकले। इलोरा में आप जाइए, हर एक गुफा के अंदर में आपको वहां पर क्षेत्र स्पारक शक्ति वहां मिलेगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पवन गजा, सोनागेर, कुंडलपुर, देनागेर, द्रोणागिरी, आहार समुद्र की हर एक प्राचीन तीर्थ में सोनागिरी हर एक तीर्थ में फलता है तुम्हें, क्योंकि ये हमारी प्राचीन आर्ष परंपरा, ये समृद्ध परंपरा है। जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर शासन देवता का बहुमान सम्मान होता है, वहां के बच्चे निर्व्यसनी होते हैं, नियंत्रित होते हैं, समझदार होते हैं। हमने एक ऐसा शहर देखा है जहां 3-4 मंदिर, उसमें 3 मंदिरों में शुक्रवार को भगवती माता का सम्मान होता है, उद्भराई होती है, शनिवार को शनिवार का तेल सिंदूर आदि किया सम्मान किया जाता है। वो 3 मंदिरों के बच्चे निर्व्यस्ती गुरु बनते। और एक ऐसा मंदिर देखा जिस मंदिर में पहले पद्मावती चित्रपाल का सम्मान बहुमान था और वहां तो आगे जाकर के बंद कर दिया गया, कि बंद करने पर वहां के जो लड़के हैं वो शराब बन रहे हैं, जस्ती बन रहे हैं और
उनके यहाँ पर तलाक हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और परिवार परेशान, शादियां नहीं हो रही, लड़कियां नहीं मिल रही, परेशानी आ रही। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जिनागम कहता है कि क्षेत्रपाल पदों और स्त्री का बहुमान सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए धर्म तीर्थ पर प्रत्येक पितृ भगवान की मूर्ति के साथ आप यदि आगे कहेंगे तो यहाँ पर प्रतिमा ध्वजासन विराजमान है, उन मूर्ति के भगवान के ठीक नीचे ही वहां पर उनके ग्रह ऊंचे शिक्षण बने हुए। इसके अलावा अष्टधातु से के लिए बनाए गए हैं। देने का स्वागत प्राप्त किया है पूजा जयेश चंद्रन से अमेरिका से होंगे भाई है भगवान शांतिनाथ प्रदान करने की अभी और भगवान पदम प्रभु जी से लेकर के पार्श्वनाथ तक हर एक बहुत सुंदर करीब करीब 11 इंच के बहुत सुंदर तक के आ रहे हैं और उनकी स्थापना भी होना है। अपना पुण्य आप जगा सकते हैं और अपनी ओर से विराजमान कर सकते हैं। ये प्राचीन परंपरा शांतिनाथ मकट महादेवी ने हरे कर्नाटक के मंदिरों में भगवान की स्थापना कराई, स्वयं चामुंडराय ने कराई, चामुंडराय चामुंडराय ने हरेक मंदिर में पुष्पांडी यक्षी और गौमय दक्षिणा, चंद्रगुप्त सम्राट वो और फैले हो गए, उन्होंने गुफाएं बनाई, उनके समय पर जो मंदिर बना है उस मंदिर में देवताओं के स्थान पर बने हुए हैं। हम यदि शुद्ध कथा देखते हैं तो शुद्ध में भी दिखाई देता है कि पंचम काल में जो पुरुषोत्तम भूत बलि हुए उनको ज्ञान देने के पहले उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया परीक्षा के लिए कि कितने ज्ञानी है। एक को मंत्र दिया, उन्हें मंत्र सिद्ध किया तो कानी देवी है, दूसरे ने मंत्र सिद्ध किया तो उसके सामने दो दांत अधिपति देवी आई। तो मुरारी ने विचार किया कि अच्छे राजा थे और मुनिराज बोले थे, उन्होंने विचार किया कि देवी देवता तो विद्रूप नहीं होते हैं, उनके विद्रूप नहीं होते, विद्रूप नहीं होते हैं, कुछ तो कोई मंत्र में गलती है। उन्होंने मंत्र का शुद्ध संशोधन किया, जिसमें मंत्र कम था उसको बढ़ा दिया, जिसमें कम कर दिया, तो जिनकी कानी देवी आई थी उनके अक्षर कम था, जिनके में दांत देख उनके मंत्र ज्यादा था, इसलिए नहीं मंत्रों श्रवण के बीच बना सका। ये भी हमारे मंत्र में अक्षर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आचार्य भगवान कहते हैं कि धन से आचार्य जी ने भूतबलि को मंत्र दिया, उस पर सुधार आंदोलन किया, उसके करने के बाद दोनों दिव्य स्वस्थ रूप में वहां पर सामने आए और उन्होंने आकर के उन्हें धन से उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद दिया, कहा पर बताइए क्या आदेश है। इसका मतलब आचार्य कहते हैं कि जैन धर्म जैन वाङ्मय शासन देवी देवताओं से अलग नहीं है। हरेक प्राचीन मंदिर में हरेक प्राचीन तीर्थ में हरेक प्राचीन तीर्थ स्थान पर आपको जहां भी भगवान ढूंढना है मिलेंगे, उनकी चालक पूर्णता उनके क्षेत्रपाल छपनी मिलेंगे ही। आज हमारी नई सोच जो मिथ्यात्व की ओर लेकर के जा रही है वहां पर आज से भगवान का मित्र बनाया जाता है, दूसरों का स्थान नहीं बन रहा है, क्षेत्रपाल जी का स्थान नहीं बन रहा है, एक तरह से उनका भगवान सम्मान नहीं हो रहा है, वहां पर समाज का पतन नहीं हो रहा है। जो प्राचीन पूर्वाचार्यों की तीर्थंकरों की वाणी का श्रद्धान करेगा, पूर्वाचार्यों की वाणी पर श्रद्धान करेगा, आचरण करेगा, उसका ही सही रास्ता है, वही सम्मिलित दृष्टि है। और जिसने जिनवाणी को छोड़ दिया, जिन धर्म को छोड़ दिया, गुरुवाणी को छोड़ दिया, जिन भगवान के मत को छोड़ दिया, वो जैन धर्म में जाए। देखिए आप कि उज्जैन जहां सुसागर विराज शासन किया, उसी स्थान पर गुरु आज्ञा से आकर खड़े हो गए, रात्रि के समय चारों मंत्री तलवारें लेकर के आए और तलवारें तान दी, हमला किए गुराज पर, लेकिन हमला करने पर भी हमला कर नहीं पाए, जहां के तहां के लिए हो गए, उनके हाथ ऐसे कैसे ऊपर किसी का नीचे किसी का किसी का पीछे है, चारों मित्र रात भर वहीं खड़े रहे। प्रातःकाल में जब राजा अपनी प्रजा के साथ भक्ति करता हुआ जब गुरु दर्शन को जा रहा था तो देखता है कि अरे वही स्थान है, वही मुनिराज है और ये मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में तलवार है, सब सुनते हैं। उसने राजा ने मुनिराज से खूब क्षमा याचना कि हे भगवान, मेरे उज्जैन राज्य में अवंती देश में आप पर हमला सब हुआ है,
आपके ऊपर इस प्रकार का प्रहार किया गया है, इसलिए क्षमा प्रार्थी मांगी आचार्य सबसे क्षमा मांगी और जब क्षमा मांगी तो मुरारी ने ध्यान छोड़ा और ध्यान छोड़ने पर क्षेत्रपाल जी आए। उन्होंने कहा कि मैंने एक पीड़ित किया है, उन्होंने मुरारी को सर किया तो मेरे क्षेत्र में मुरारी को सर नहीं हो सकता है। तब राजा ने कहा कि तुम चारों मंत्री हो, मेरे बहुत सारे तुमने सहयोग किया है, लेकिन ये तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, इसके लिए मृत्यु दंड ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा नहीं है, मृत्यु दंड नहीं दूंगा। उसने राजा ने चारों मंत्रियों का मुंह काला किया, गधे पर बैठाया, गले में जूता की मार डलवाई और उनको देश निकाला दे दिया कि ऐसे मुनि विरोधी हमारे देश में नहीं चले। यदि कोई कहीं कोई डाक प्रस्तुत करता था तो राजा कर देता था, देश निकाला देता था। आज क्या हो रहा है? आज व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल से, फेसबुक के माध्यम से, बिना मतलब की उन्हें निंदा की जा रही है। अच्छे अच्छे कहते आचार्यों की निंदा हो गई, टीका टिप्पणी की जा रही है, जो टीका टिप्पणी निंदा कर रहे हैं वो घोर पाप का बंद कर रहे हैं, दक्ष कौनी कर्म का महान आश्रम कर रहे हैं। अवसर दूर होने पर अकल्पनाचार्य भगवान अपने विशाल सिंह के साथ शनि शनि विहार कर गए और वे चारों मंत्री जिन्हें देश निकाला दिया गया था वहां से निकलकर अपमानित होकर उज्जैन को छोड़कर घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के राजा पद्म महाप्रभु चक्रवर्ती के पुत्र पद्म वहां पर राज्य करते थे।